गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? चलिए मैं आज से आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। मैं आपकी हिंदी टीचर अर्चना पांडे। हिंदी की बुक्स निकालिए। सुगम भारती, हिंदी सामान्य, क्लास 7, पेज नंबर 1 निकालिए। पार्ट 1, प्रार्थना। पाठ एक प्रार्थना एक कविता है। ये कविता डॉक्टर जय कुमार जलज जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने भगवान से प्रार्थना की है, बच्चों द्वारा प्रार्थना के बारे में लिखा है। बच्चे जो कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इस कविता को मैं आपको पढ़ती हूँ और पढ़कर सुनाती हूँ। आपको इसको साथ में बोलना भी है, पढ़ना भी है और इसका मीनिंग भी समझना है, इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसे पढ़ेंगे और सुनेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तन से, मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हो, पर्वत से हो सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हो। जो बच्चे हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हमारा तन, हमारा मन और हमारी बुद्धि, हम हर तरीके से हम परिपूर्ण बने, दृढ़ बने और हम पर्वत की तरह सीना तान कर, सिर ऊंचा करके दुश्मनों से, जो हमारे दुश्मन है उनके सामने हम सीना तान के खड़े रहें, आने वाली कठिनाइयों को का सामना करने के लिए, उनसे लड़ाई करने के लिए हम उनके सामने तत्पर रहें। कोई कठिन काम हो भारी, हम करके दिखला दें, आंधी से हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दें। हमारे सामने कोई भी काम जो कि कठिन हो, कैसा भी काम, चाहे कठिन से कठिन या भारी से भारी, कैसा भी काम हो, हम उसको करके दिखला दें। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे जैसा भी कोई ऐसी भी मुसीबत आए, उसको हम बादल सा बिखरा दें, मतलब चारों तरफ उसको मतलब हटा दें, दूर कर दें, इन मुसीबतों को दूर कर दें। मुट्ठी में तकदीर बांधे हंस कर चलने वाले, अंधियारों में किसी दिए की लौ से जलने वाले। हम अपने मुट्ठी में अपनी तकदीर को बांधना चाहते हैं, हम इनको, इन अपनी जो तकदीर है उसको बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और हंसकर आगे बढ़ें हम अपनी किस्मत को अच्छा करके। इस अंधियारे मतलब जो भी हमारे जीवन में आने वाली बुराइयां हैं उनको दूर करें, हम अपने जीवन में लौ जलाएं, दीपक जलाएं और उसको जगमगा दें। प्यासे को देखें तो हम सब सावन से घिर जाएं, आए सागर में ही नहीं हथेली गागर में भर लाएं। अगर हम किसी प्यासे को देखें, या इसका मीनिंग है कि अगर हम किसी दीन दुखी व्यक्ति को देखते हैं या किसी ऐसे असहाय व्यक्ति को देखते हैं, तो उनके लिए हम सावन का कार्य करें। सावन का कार्य मतलब उनके लिए हम ऐसे कर्म करें जिससे वह व्यक्ति को मतलब व्यक्ति की सहायता कर सके। सागर से ही नहीं, हम अपने हाथ में, मतलब कहने का मतलब है कि हम सागर जहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारा हो, वहां से नहीं, हम थोड़े से को मतलब अपने हथेली में पूरा गागर भर के ले आए। गागर भर के मतलब कम, छोटे से कर्म, मतलब छोटे से हथेली द्वारा ही हम अपने कर्म को ऐसा करें जिससे कि हम छोटे से हथेली द्वारा हम बड़े से बड़े कर्म करें। थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहे हम, धरती से हो अपने सुख दुख को चुपचाप सहे हम। भले हम थके हुए हो या जो भी हो, मतलब हम असहाय हो, मगर फिर भी हम हवा की तरह दूसरों के लिए सदैव हम बहते रहे, मतलब दूसरों के लिए हम सदैव ही कर्म करते रहे। धरती से हो अपने सुख दुख को चुपचाप सहे हम। हम अपनी धरती पे जो भी हो, सुख हो दुख हो, उसको हम चुपचाप सहन करें और ऐसी सहनशीलता हमारे अंदर लीजिए। उठे हमारा हाथ दीन दुखियों के दुख हरने को। जब भी हमारा हाथ उठे तो दीन दुखियों के दुख को दूर करने के लिए उठे। रहे ना फुर्सत बैठे आंखों में आंसू भरने को। हमारे पास ऐसी फुर्सत ना हो, हम हमेशा सदैव हमेशा कर्म करते रहें, हमारे आंखों में आंसू ना आए। हम जो भी व्यक्ति है दीन दुखी, उनकी आंखों में कभी भी आंसू भरने नहीं दें, या हम अपने आंखों में भी आंसू ना भरें। माँ इन नन्हे हाथों को बस यह प्रसाद दो अपना, ये उस तक भी पहुंचे जिसको सब कहते हो सपना।
हमारे नन्हे नन्हे हाथों को इस तरीके से बना दो, हमें ऐसा प्रसाद हमारे इस नन्हे हाथों में दे दो कि हम वहां तक पहुंच जाएं जहां पे हमने कभी सोचा भी ना हो। हमारे हर सपने को पूरा करें हम, चाहे वो आसमान में चांद पे पहुंचना हो या हिमालय की चोटी पे पहुंचना हो या किसी भी जगह जहां पर हमने कभी सोचा भी ना हो वहां तक हम पहुंच सके। हमारे हाथ की हथेलियों में ऐसे ऐसा कर्म लिख दो, ऐसा वरदान दे दो जिससे हम अपने सभी असंभव कार्य को भी संभव कर सके, जो हमने कभी सपना देखा हो ऐसे सपने को भी हम पूरा कर सके। ठीक है बच्चों, ये कविता है प्रार्थना, इसको आपको फिर से एक बार मैं पढ़ती हूँ, आपको उसके साथ में दोहराना है। तन से मन से और बुद्धि से हम सब बहुत बड़े हों, पर्वत से हो ऊंचा सिर ऊंचा कर सीना तान खड़े हों, कोई कठिन काम हो भारी हम करके दिखला दें, आंधी से हो मुसीबतों को बादल सा बिखरा दें, मुट्ठी में तकदीर बांधे हंसकर चलने वाले, अंधियारे में किसी दिए की टॉसे जलने वाले, प्यासे को देखे तो हम सब सावन से गिर आए, सागर में ही नहीं हथेली कागर में भर जाए, थके हुए के लिए हवा की तरह सदैव बहे हम, धरती से हो अपने सुख दुख को चुपचाप सहे हम, उठे हमारा हाथ दीन दुखियों का दुख हरने को, रहे ना फुर्सत बैठे आंखों में आंसू भरने को, माँ इन नन्हे हाथों को बस ये प्रसाद दो अपना, ये उस तक भी पहुंचे जिसको सब कहते हैं सपना। ये कविता को आपको पढ़ना है, इसका अर्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है और आपको उसके साथ में ये कविता की वॉइस रिकॉर्डिंग करके आपको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है जिसे हम सुनेंगे, और इसके आगे की जो भी शब्दार्थ है और एक्सरसाइज है इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि आपको अपनी कॉपी में किस तरीके से लिखना है, कैसे मेंटेन करना है आपकी कॉपी, और आपको भी ये प्रार्थना भगवान से डेली करना है।